आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। बीजेपी नेता के बेटे पर जानलेवा हमला करने वाले चार बदमाश गिरफ्तार, हमले की बताई ये वजह। भाजपा नेता के बेटे पर जानलेवा हमला करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना को अंजाम देने वाले पांचवा बदमाश फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि पुराने विवाद के चलते भाजपा नेता के बेटे पर हमला किया गया। फिर हैवान नियत, हरिद्वार के पीरान कलियर में चारा लेने गई युवती से गैंगरेप मुकदमा दर्ज। हरिद्वार के पीरान कलियर में दुष्कर्म के दो अलग अलग मामले सामने आने के बाद पुलिस ने पड़ताल तेज कर दी है। पुलिस ने बताया कि दो अलग अलग मामलों में एक अज्ञात समेत पांच लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं चारा लेने गई युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उपंत मंदाकिनी नदी के बीच टापू पर फंसा व्यक्ति SDRF ने किया रेस्क्यू। रुद्रप्रयाग अगस्तमुनि में मंदाकिनी नदी के बीच फंसे नेपाली मूल के व्यक्ति को SDRF की टीम ने रेस्क्यू किया। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से व्यक्ति नदी की दो धाराओं के बीच फंस गया, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना SDRF को दी। खौफनाक बिजली के तारों के सहारे अन्वेषण धाम पहुंच रहे तीर्थयात्री अस्थायी पुल से आवाजाही करने को मजबूर। ग्रामीण का आरोप है कि शासन प्रशासन की अनदेखी के कारण मोरखड़ा नदी पर स्थायी पुल नहीं बन पाया है। चुनाव के वक्त ही सरकारों को सीमांत गांवों की याद आती है, जिनका डर दिखाकर बच्चों का यौन शोषण। मौलवी का पर बड़ा खुलासा, उठने लगी मदरसों की जांच की मांग। मौलवी द्वारा अवैध मदरसों में नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और अश्लील वीडियो दिखाने के प्रकरण में आज हिंदुवादी संगठन और भाजपा कार्यकर्ताओं के विधायक शिव अरोड़ा ने केंद्र नेतृत्व में DM और SSP से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। वन विकास निगम में स्केलर पद पर कल होगा लिखित पेपर, 9000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। उत्तराखंड में युवाओं को स्केलर पद पर भर्ती का बड़ा मौका मिला है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा स्केलर के खाली 200 पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसके लिए रविवार को लिखित परीक्षा होनी है। सड़क निर्माण को लेकर भूख हड़ताल पर डटे कोर्ट के ग्रामीण शासन प्रशासन पर लगाया ये आरोप। उत्तरकाशी अंतर्गत आने वाले कोट गांव के ग्रामीणों की सड़क निर्माण को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण नहीं बनने तक भूख हड़ताल रखने की बात कही। हरक सिंह ने CBI को सौंपे कॉर्बेट पाखरो सफारी के गोपनीय दस्तावेज, तत्कालीन CM और ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका का खुलासा करने का दावा। 28 वर्षीय युवक का परिजनों ने शव लेने से किया इनकार, अस्पताल में काटा बवाल। उत्तरकाशी में बीते दिन यमुनोत्री हाईवे स्थित होटल में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के मामले में परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा काटा और शव लेने से मना कर दिया। वहीं जब SIT टीम गठित कर जांच शुरू की गई तो परिजन शव लेने के लिए तैयार हो गए। हरीश रावत ने की गैरसैंण में दोबारा से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग, बीजेपी सरकार को बताया कायर। जमानत पर रिहा होने के बाद बेल बॉन्ड भरने में असमर्थ विचाराधीन कैदी, हाई कोर्ट ने वकील नियुक्त करने के दिए आदेश। जमानत पर रिहा होने के लिए बेल बॉन्ड भरने में असमर्थ जेल में बंद विचाराधीन कैदियों के लिए अब वकील नियुक्त होंगे। इस संबंध में हाई कोर्ट ने राज्य के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी किए हैं। क्योटा में आयोजित ICE 2024 में अपनी रिसर्च पेश करेंगे प्रोफेसर पटियाल। दुनिया भर में 2500 एंटोमोलॉजिस्ट होंगे शामिल। कोऑपरेटिव बैंकों के क्लर्क और प्रबंधक के 164 पदों का रिजल्ट घोषित, 69 पदों पर फिर होगा एग्जाम। एक्शन में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, डोईवाला में 78 लाख की स्मैक बरामद, तस्कर गिरफ्तार। देहरादून के इस गांव में बारिश ने मचाई जमकर तबाही, मंत्री जोशी ने किया दौरा, आपदा पीड़ितों की सुनी पीड़ा। राजधानी देहरादून से लगे मालदेवता इलाके में बारिश ने बीते दिनों जमकर कहर बरपाया था। बारिश के कारण यहां कई गांव में आपदा जैसे हालात बन गए हैं। शनिवार को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद भी की। उत्तराखंड में PMGSY के 25 कार्य जल्द होंगे पूरे, केंद्र सरकार ने बढ़ाई समय सीमा। स्कूल पहुंचकर DM बनने गए मास्टर साहब, बच्चों की ली क्लास, पूछे कई सवाल। टिहरी DM
मयूर दीक्षित हमेशा अपनी सूझबूझ और विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। इसी बीच वो आज पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सौटखाट पहुंचे, जहां उन्होंने टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाया और मेहनत करके आगे बढ़ने की सलाह दी। हल्द्वानी में लाठी डंडों से युवक के साथ मारपीट, घटना सीसीटीवी में कैद, न्याय के लिए भटक रहा पिता।